महंगाई की वजह से किस तरीके से गृहिणियों का रसोई का बजट बिगड़ा है या मोटरसाइकिल चलाने वाले युवाओं में किस महंगाई का क्या असर हो रहा है, इसको जानने के लिए आज दिल से यूपी की टीम बुलंदशहर के काला आम पर पहुंची है और हम लोगों का जानेंगे कि किस तरीके से महंगाई की मार को झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बोला। तो ये महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो आप महंगाई पर क्या कहना चाहोगे? महंगाई बढ़ रही है? देखो, महंगाई आजकल जो घर की औरतें हैं ना, उनके लिए सौतन का काम कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी जो है वो घटती जा रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि रोजगार के लिए, तो कहते हैं पिछले 7 साल में 14 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खा चुके हैं। ऊपर से फिर प्राइवेटाइजेशन करते हैं हर चीज़ का, निजीकरण। तो लोगों को इन्होंने एक तरह से कहते हैं ना कि बिल्कुल भिगो के मारना, वो काम इन्होंने कर रखा है कि ना तो कमाई करने देंगे और महंगाई दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी आप बात करते हैं, आगे आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है आपको, आपकी कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है महंगाई। तो कैसे लग रहा है महंगाई बढ़ रही है? सब चीज़ के हिसाब से, पेट्रोल है, सब चीज़ और बाकी चीज़ के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। यानी क्या क्या महंगा हुआ है? जो जरूरत की चीज़ें सब महंगी हो गई। तो आप मान रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है महंगाई नहीं बढ़ रही है, महंगाई तो उतनी है जितनी होनी चाहिए। चलिए, ये उन्हें लग रहा है कि महंगाई अभी बढ़ रही है। और हमारे साथ कुछ लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपके लिए? विनीत कुमार द्विवेदी। ये विनीत कुमार द्विवेदी जी हैं। तो आप, महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कम करवा। कैसे लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है? वो कह रहे हैं कि महंगाई तो कम हो रही है। नहीं, महंगाई ज़्यादा हो रही है। मिडिल क्लास से इनका ये कहना है कि मिडिल क्लास से पूछें, मिडिल क्लास ज़्यादा इस उसमें है। एक हमारे साथ युवा हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह महंगाई बढ़ी है या घटी है। क्या नाम है आपका? सत्य भाई शर्मा। तो कैसे लग रहा है कि महंगाई घटी है बढ़ी है? जैसा जैसे जैसे मेरी स्टूडेंट लाइफ है अभी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मतलब कॉलेजेस वगैरह का देख सकते हैं, फीस वगैरह काफ़ी हाई है। और महंगाई तो खैर एक अलग ही मुद्दा हो गया, जैसा कि मतलब मेन मुद्दा भी पेट्रोल का चल रहा है, तो पेट्रोल इस समय सबसे ज़्यादा महंगा है। लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए कि भाई मतलब वाहन, जैसे आज की डेट में सरकार कह रही है कि वाहन आप कम से कम, दिल्ली में देख सकते हैं आप, वाहन सबसे कम चलाइए। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए कि पॉल्यूशन को भी देखते हुए, अगर इन सबको भी अलग हटा दिया जाए, पॉल्यूशन वगैरह इन सब चीज़ों को भी, तो जो आम आदमी है जिसकी डेली नीड में आना जाना वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं कर सकता, तो उसको सबसे ज़्यादा मार पड़ती है इस चीज़। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट ये जुड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है पेट्रोल कीमत बढ़ने के बाद। अभी और कुछ लोगों से बात करनी आई, खैराज मिस्त्री हैं, उनकी दुकान पर है। तो आप जानना चाहेंगे कि ऑटोमोबाइल्स में किस तरीके से महंगाई का असर हो रहा है और क्या आगे ये कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। तो कैसे लग रहा है, महंगाई कम हुई है, महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ रही है। कैसे लग रहा है महंगाई बढ़ रही है? मतलब ये है, समझ लो गुजारा होना मुश्किल हो रहा है आदमी का, मतलब कठिन पड़ रहा है। बच्चे पालने, बच्चों की फीस, बीमारी आ जा, 1000-2000 रुपये नहीं डॉक्टर ले लेता, उधार पानी करके इलाज कराया जाता है, आदमी परेशान है। काम आपका कैसा? काम पहले के रफ्तार से 30% 25-30% 80%। आप इसे महंगाई से जोड़ कर देख रहे हैं? काम महंगाई से जोड़ के नहीं देख रहे, मतलब काम में भी गिरावट है, ऊपर से महंगाई की मार, डबल मार पड़ गई है। दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जब से ये सरकार आई है तब से किसी भी चीज के रेट घटने के नाम नहीं है। हमेशा हर चीज पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, रसोई का सामान देख लीजिए, आप किसानों के यूरिया देख लीजिए, और डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए, आपके सिलेंडर का रेट देख लीजिए। दिन पे दिन हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ अभी एक और युवा जुड़े हैं। क्या नाम है आप? राजेश कुमार। आपको लगता है कि महंगाई कम हुई है?
महंगाई बहुत चरम सीमा पे थी और इसके अंदर महंगाई हो चुकी है। देखिए पेट्रोल के दाम 100+ हैं और आज डीजल की कंडीशन देख लीजिए, डीजल कितना महंगा हो चुका है और भी अपने गैस के दामों को देखिए आप, आज समथिंग 900 से ऊपर 900+ सिलेंडर पर चल रहा है और इस मामले में सरकार पूरी तरह से फेलियर है। और किसानों का हाल देख लीजिए, इस समय बरसात के कारण किसानों की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई, इनमें किसानों को मुआवजे के नाम पर एक मतलब आश्वासन दिया जा रहा है मगर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। और किसान देखिए 9-10 महीने से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, मामले को लेकर किसान वहाँ पड़े हुए हैं, उस मामले पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। जब भी उनसे कोई वार्ता होती है तो उनको झूठा आश्वासन दे दिया जाता है और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनपे सरकार पूरी तरीके से फेल है। दिल से यूपी की टीम ने आज बुलंदशहर जनपद में सर्वे किया और जाना कि महंगाई किस तरीके से लोगों का बजट बिगाड़ने में कामयाब हुई है और सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई है।